हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र रिटायर हो चुका है। और गाइस, कुछ वेबसाइट हैं जो कि आई ब्राउज़र पे ही चलती हैं। आई ब्राउज़र बंद होने के बाद ये एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप उन वेबसाइट को माइक्रोसॉफ्ट एज में कैसे चला सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को। तो गाइस, सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड टॉप पे जो थ्री डॉट है, हमें इस पर क्लिक करना है। अब हमें सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब हमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर कंपैटिबिलिटी। इसके नीचे एक ऑप्शन है अलाउ साइट्स टू बी रीलोडेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड इन आई मोड। ये अभी डिफ़ॉल्ट पे है, हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें एक अलाउ का ऑप्शन मिलता है, हमें इस पर क्लिक करना है। गाइज, अब हमें एक रीस्टार्ट का ऑप्शन दे रहा है, हमें इस रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। गाइज, इसके नीचे आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पेजेस। इसके सामने एक ऐड का ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना है। गाइज, जो भी यूआरएल काम नहीं कर रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं मान के चलती हूँ कि गूगल कंपैटिबल नहीं है, तो मैं गूगल का यूआरएल यहाँ पे ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ https://google.com। अब मैं ऐड पे क्लिक करती हूँ। तो गाइज़, इस तरीके से अगर आपका कोई भी यूआरएल एच में काम नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ऐड कर देना है। गाइज़, जो भी यूआरएल आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो केवल 30 दिनों के लिए ही मान्य है। 30 दिन के बाद वो यूआरएल आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। गाइज, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। हमें क्लिक करना है अपीयरेंस पे, स्क्रॉल करके नीचे जाना है। गाइज, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड आई मोड बटन। अभी ये डिसेबल है, हमें इसे इनेबल करना है। इनेबल करते ही आप ऊपर देख सकते हैं आई का सिंबल आ चुका है। इसके बाद आपको ब्राउज़र बंद कर देना है। एज ब्राउज़र हमें दोबारा ओपन करना है। अब जो भी यूआरएल आपका एज पे काम नहीं कर रहा था वो आपको यहाँ पे ओपन करना है और वो यूआरएल आपका काम करने लगेगा। तो गाइज, ये था पूरा वीडियो कि हम आई ब्राउज़र की वेबसाइट को एज में कैसे चला सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ पर लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।